प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का ऐच्छिक विषय भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम उसी पाठ्य पुस्तक का फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं। हमारे 3 चैप्टर पूर्ण होने के बाद हम फिर मैं वापस पहले इकाई से प्रारंभ करना चाहता हूँ। और पहले इकाई का नाम है भूगोल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक। इस भूगोल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक इकाई के अंतर्गत है कि भूगोल का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का अर्थ, पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत किस प्रकार के बारे में या पाठ्यक्रम के अर्थ जो स्पष्ट है वो किस प्रकार से, किस शब्द से लिया गया है और कहाँ से है और इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा था कि पिछले व्याख्यान में पढ़ा था कि भूगोल का पाठ्यक्रम, भूगोल का पाठ्यक्रम शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया के आधार पर इसे 3 पक्षों के में बांटा गया था। पहला था शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये हमारे इन तीनों के अंतर्गत जो है हम पढ़ते हैं। तो शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में जो तीसरा पक्ष जो है पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम वो बिंदु है जिसके आधार पर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्रिया निर्धारित की जाती है कि उस विद्यार्थी का विकास किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ, पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम क्या है? हिंदी शब्द में पाठ्यक्रम वो विचार है, पाठ्यक्रम पर विचार करेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम से मतलब होता है पाठ्य एवं क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका और पाठ्यक्रम है पढ़ने योग्य और क्रम का अर्थ है व्यवस्था शब्द है। अर्थात कहने लगे हो कि पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। अंग्रेजी भाषा में देखा जाए, अंग्रेजी भाषा में देखा जाए या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से वो देखते हैं, किसको? कैरिकुलम। समय लगता है क्योंकि हमें उस
विद्यार्थी का हमें ढांचा तैयार करना है जीवन में सफल बनाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम उस भारत के नागरिक का विकास करना है जो एक अध्यापक उस पाठ्यक्रम के आधार पर करता है। हम इसी क्रम को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।